उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। ले जी, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक छोटी सी ब्लॉग के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। नाश्ता करके मैं जैसे ही फ्री हुई, मैंने सोचा क्या लगाना ही था, नेल पेंट डिसाइड कर रही थी, जो कि मैंने डिसाइड कर लिया और फिर लगा कर आप लोगों के सामने ये चेक करें। और अब नेक्स्ट स्टेप था तैयार होना, जो कि मैं डिसाइड कर रही थी क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, और जब मैंने डिसाइड कर लिया पुट करके फिर मैं तैयार हुई। मेहनत का काम होता है, जो कि पीछे वाली मेहनत जो एक अलग होती है। ठीक है यार, जो भी, ये चेक करें मेरा फुल ड्रेस जिसमें मैं कंफर्टेबल थी, और ये बहुत सॉफ्ट सा, मतलब बहुत मज़े का लग रहा था, जिसमें मैं बहुत अच्छी भी लग रही थी, आप लोगों के सामने हैं। और ये देखिए जनाब, जब भाइयों की शादी नाना जब हुई हो, तो मैं कहती हूँ कि फिर ये सारी जिम्मेदारी बहनों की होती है कि ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये माशाल्लाह से मेरे भतीजे हैं, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये छोटा तो वैसे ही हमारे घर की जान है, अपनी दादू साथ बैठा हुआ था। हेलो करो जी, ये है मेरा बड़ा भाई, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। ये इसी का बेटा है, और इसे चेक करें ज़रा, इस जनाब को तो मैं कहती हूँ पिक्चर से फुर्सत ही नहीं मिलती, इतनी पिक्चर्स हम नहीं लेते जितनी ये लेता है। तो यहाँ पर केक आ चुका था। ले जी, फिर जब केक वगैरह कट कर लिए, इसको तो पहले खिलाना बनता है, इसने खिलाया नहीं वो अलग बात है। ये है हमारे घर की गुड़िया है, जो कि क्यूट सी मेरी भतीजी है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं बता नहीं सकती कितना मैं थकी थी। आरज़ू, मज़ा आया आपको? ज़्यादा मज़ा आया नहीं? तो अब घर की तैयारी कीजिए, शोखा हो जाता है एकदम से ही, ना मैं बता नहीं सकती हूँ। छोटा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला अपनी नज़र से बचाए। चलें जी, फिर मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में।